स्टूडेंट हम लोग डिबेंचर के अंदर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की बात कर रहे थे कि जो कंपनी में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है उसको हम राइट ऑफ कैसे करते हैं। उसके लिए फिर से आपको एक बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, डिबेंचर लाइबिलिटी 5000 डिबेंचर 200 ईच, टोटल लाइबिलिटी हो गई हमारी 10 लाख, टोटल डिस्काउंट 5% है तो टोटल डिस्काउंट हो गया हमारा 50,000। अब हमने इसकी जो पेमेंट स्टार्ट करनी है वो करनी है 15 से, तो पहले साल 13 में हमारी लाइबिलिटी रहेगी 10 लाख, 14 में रहेगी 10 लाख, 15 में भी हमारी 10 लाख रहेगी क्योंकि 15 के एंड में हमने पेमेंट की है। यहाँ पर हमारी 3 लाख की पेमेंट हो गई तो हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गई 7 लाख, फिर हमारी 4 लाख की पेमेंट हो गई, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रहेगी हमारी 3 लाख। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 10:10:10:7:3। Therefore, we can say discount written off in 2013, 50,000 गुना में 10 बटा में 40, 12,500 discount written off in 2014, 12,500 discount written off in 2015, 12,500 discount written off in 2016, 50,000 into 7 by 40, 8,750 discount return off in 2017, 50,000 into 3 by 40, 3,750। अब हम आपको पहले साल की जर्नल एंट्री करना सिखा रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 9,50,000 28% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9,50,000 फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगली एंट्री हमारी बनेगी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9,50,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 28% डिवेंचर 10 लाख फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। अब हम साल के अंत में 31 मार्च 2013 को डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। डिस्काउंट स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,500 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 12,500 फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ इन फर्स्ट ईयर। ऐसे हम हर साल के एंड में राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में अगर आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बनाने को बोले तो आपने ऐसे बनाना है, पहले साल 1/4/12 को हमारा डिस्काउंट पैदा हुआ 50,000 किसके कारण, 8% डिवेंचर के कारण। पहले साल के एंड में हमने राइट ऑफ किया 12,500, बैलेंस बच गया हमारा 37,500, 37,500 को आगे लाएंगे। सेकंड ईयर में हमने राइट ऑफ किया 12,500, बैलेंस बच गया 25,000, नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर के प्रारंभ में 25,000 लाएंगे, राइट ऑफ किया हमने 12,500, बच गया हमारे पास 12,500, नेक्स्ट ईयर हम लाएंगे 12,500 और हम राइट ऑफ करेंगे 8,750, बैलेंस बचेगा हमारा 3,750। अब फोर्थ ईयर के शुरू में लेकर आएंगे हम 3,750 और इसको हम स्टेटमेंट में से राइट ऑफ कर देंगे। इस प्रकार से हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो खर्चा था वो हमने 4 साल में
स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ कर दिया। ये आपका पूरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि आपका कितना डिस्काउंट कटेगा, एंट्री बताओ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना के दिखाओ। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा 6 नंबर। इस टाइप से आपने ये सारे डिस्काउंट राइट ऑफ करने के सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए हैं।